जादू टोना के शक में बुजुर्गों को धुना हालत गंभीर। खबर सिरसौ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खरई घाटी से आ रही है, जहां पर रहने वाले मथुरा जाटव उम्र 75 साल कल अपने रिश्तेदारों के यहां घर जा रहा था। तभी रास्ते में सरकारी कुआं के रस्ते पर आरोपी मदन लाल गोलू माखन मनीष निवासी गण खरई भाट ने बुजुर्ग का रास्ता रोक लिया और बोले कि तू जादू टोना क्यों करता है। जब बुजुर्ग ने मना किया कि मैं कुछ नहीं करता तो बुजुर्ग को गालियां देने लगे। इस पर बुजुर्ग ने गाली देने से मना किया तो सभी ने एक राय होकर बुजुर्ग को बांध कर लाठी डंडों से मारपीट कर दी। कार्यवाही से बचने के लिए बुजुर्ग को पेड़ से बांध कर और महिलाओं बुलाकर लौटा से पानी दिलवाया और राख भभूत दिलवाई। उसका वीडियो बनाई गई जिससे ये सिद्ध हो जाए कि बुजुर्ग जादू टोना करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति है जी। जो बाबा को पीटा है, बाबा कौन है आपके? हमारे ससुर है। क्या नाम है इनका? मथुरा। कौन कौन ने पीटा है? खाली ने, माखन ने, और मदन लाल ने, और राकेश ने, और मनीष ने, और मनीष ने। अच्छा, हाँ। कल ले। कहाँ पर पीटा? घर पे बांध कर ले गए घर से। हाँ। रास्ता में से वो पीटता इसने। हम क्यों पीटा? जादू मंत्र के चक्कर में, हम कोई जानते नहीं है जादू मंत्र। अभी खाया ना बूढ़ी बुजुर्ग है। क्या कह रहे थे? कि तुमने करा है, तुम अच्छा करो। कौन पर? मदन लाल माखन कह रहे तू कर, मान लो छू अच्छा तूने करा है। इस पर इनकी लड़की बीमार हो जाता है, और तो हो जाता है। अब जब मारा है मैंने, पता तोड़िए कैसे हो जाता है। हाँ हाँ करी शिकायत करी थानेदार ने, कोई मैं सुनवाई नहीं करी। वैसे खाद बना दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद जाटव है। ये बुजुर्ग कौन है, उनको लेके आए आप? ये मेरे नाना जी हैं, खराई वाट में रहते हैं। खराई वाट में रहते जी। क्या हुआ है इनको? इनको मारपीट की गई है खराई वाट गाँव में। अच्छा जी। क्या नाम है आपके नाना जी का? इनका नाम है मथुरा प्रसाद जाटव। किसने मारा इनको? इनको एक तो माखन है, ठीक है, एक उनका लड़का है राकेश, एक मनीष है और एक मदन लाल है। ये चार व्यक्ति हैं, मतलब दो उनके पिता है, दो लड़के हैं। चारों लोगों ने इनकी मारपीट की है। कहाँ पर थी ये? पारी गांव में गए थे कुछ दिन पहले। हाँ। आज से 4-6 दिन पहले। तो वहाँ से वापस आए, जैसे ये रोड पे उतरे, सो रोड पे उन लोगों ने इनको पकड़ लिया इनको, ठीक है। वहीं से मारपीट करते हुए इनका सामान जो था सारा फेंक दिया उधर ही। फिर इनकी मारपीट करते हुए घर तक ले गए, मारते मारते। किसके घर तक? उनके खुद के घर तक। अच्छा। फिर वहाँ पे इनको बांध लिया एक पेड़ से जाके, फिर इनको मारा था। क्यों मारा? उसका कारण ये है, उनके घर में जो बहू बेटी हैं कुछ, जैसे देवी वगैरह सिर में आती हैं लोगों की, लेडीजों के में, तो ऐसे कुछ आ जाती हैं उनके यहाँ पे, कोई एक हाथ दिन में एक हाथ दिन छोड़ के। तो उनको ऐसा सकता कि इन्होंने कुछ कर रखा है उन पर, जो जादू टोना बोलते हैं जिसको, ऐसा कुछ कर रखा है उसकी बस शक की वजह से इनकी मारपीट की, कि इन्होंने किया ऐसा। तो मारपीट करके छोड़ दिया या? मतलब वहाँ पे लड़कियाँ थे इनकी, नाती जो थे, नाती पोते, तो छोटी छोटी लड़कियाँ, उन्होंने 100 नंबर कॉल किया, 100 नंबर गाड़ी आई, उसका आवाज़ सुन के फिर इनको छोड़ दिया।